खाए, यहां तक कि घास की रोटी खाकर गुजारा किया, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। वो उधम सिंह जिसने अपने बाप का मौत का बदला लेने के लिए लंदन में जाके उस डायर को गोली से मार दिया, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। वो वीर हकीकत राय जिसने फांसी के फंदे को तो चूम लिया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। हंसते हंसते कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक अपनी भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। सर के
खून की होली, अरे होली, नेताजी ने हरा दिए अंग्रेज बना के टोली, अंग्रेज बना के टोली, हरा इंकलाब का नाम ले लिया, मार रहे थे बोली, अरे बोली, राजगुरु सुखदेव ने आके देश की निद्रा खोली, देश की निद्रा खोली, हर फांसी पे गए लटक वीर रे, फांसी पे गए लटक वीर रे, ध्यान लगा लिया हर के आजादी की लिखी कहानी रे, खड़े करो जो अपने भारत देश से प्यार करता है, सब करे ऐसा। हमारी माता बहने आप शर्मा क्यों रही हो हाथ खड़े करने में? अरे आप तो वीरांगना हो इस देश की। कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, कुछ लोगों ने नहीं किए। जिस देश में रहते हो उस देश के लिए हाथ खड़े नहीं कर सकते तो और क्या करोगे? अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो उठाइए दोनों हाथ, अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो सभी के बिल्कुल सीधे हाथ खड़े होने चाहिए, और अगर कोई पाकिस्तानी बैठा है तो उससे हाथ खड़े करने के लिए नहीं कहूंगी। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमी श्रोता, हम अपने देश को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा एक बार वो हाथ खड़े करो जो इस देश के लिए जान देने को तैयार है। क्या बात है, हमारी माता बहने भी तैयार है। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। जिस देश को हम अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं उसी देश में कुछ ऐसे भी गद्दार रहते हैं जो बड़े संसद में ये कह देते हैं कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हैदराबाद का सांसद है वो ओबेसी, खुला ऐलान कर दिया संसद के अंदर कि चाहे मार दो चाहे गर्दन पर छुरी रख दो लेकिन भारत माता की जी नहीं बोलूंगा। अरे जो इंसान देश का नमक खाता हो, जो इंसान देश की धरती पर रहता हो और फिर भी भारत माता की जी ना बोले, कैसे इंसान को देश में रहने का अधिकार है? नहीं है। हमारे हिंदुस्तानियों ने ऐलान कर दिया कि ओबेसी तू तो कहता है कि भारत माता की जी नहीं बोलेगा, लेकिन अब हिंदुस्तानियों का ऐलान सुन कि तूने कहा सुना हमने, कि तूने कहा सुना हमने, जरा मन टटोल के सुन ले तू, सुन सुन ओ गद्दार ओबेसी कान खोल के सुन ले तू। रे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, रे तूने हिम्मत कैसे की मेरी माँ की जय नहीं लगाने की? तालियां अभी नहीं, तालियां दो लाइनों के बाद। कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, रे तूने हिम्मत कैसे की मेरी माँ की जय नहीं लगाने की? जिस दिन भारतवासी संसद में, जिस दिन भारतवासी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेगा, और तू तो क्या ओबेसी, तेरा अब्बा भी वंदे मातरम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा, तू नहीं जानता हम हिंदुस्तानी हैं? जिस दिन अपनी पे आ गए ना, मरोड़ काट के दर देंगे, तेरा अब्बा भी तेरा बच्चे भी पड़े पड़े बंदे मातरम रटेंगे और कुछ नजर नहीं आएगा उनको किस तरह से क्या लिखा अंतिम लाइनों में बना।
थे मासूम वीर ने अंग्रेजों के घोड़े, अंग्रेजों के घोड़े हर जबर भोज धीरा अंग्रेजों की हिंदुस्तानी थोड़े हर थोड़े गांधी जी ने बिन हथियारों माँ के बंधन तोड़े, माँ के बंधन तोड़े कहानी कलम लहू